वेलकम स्टूडेंट्स, बात करेंगे एप्लीकेशन टू बैलिस्टिक मिसाइल्स। सबसे पहले मैं आपको बैलिस्टिक मिसाइल शो कराती हूँ। जिस तरह से आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल की एक फिगर है। इसमें स्टूडेंट्स, हम लोग जो मिसाइल्स होते हैं हमारे पास, वो हमारे पास एक वेपन होता है जिसमें हम उसको मतलब कि उसके साथ आप एक इंजन अटैच करते हैं, और इंजन जब इंजन के अंदर जो हमारे पास फ्यूल होता है यानी कि गैसेस होती हैं, ठीक है, जब वो बर्न होती हैं तो उनकी वजह से वो जो है वो मिसाइल जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करता है, ठीक है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम उसको इस फ्यूल के जरिए इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मैं अगर VI से डिनोट कर दूं तो ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, और जिसकी वजह से ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाके मूव करेगा और अपने टारगेट को हिट करेगा। अब मोर स्पेसिफिकली हम इन मिसाइल को बैलिस्टिक मिसाइल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी दो प्रॉपर्टीज हैं। इसकी पहली प्रॉपर्टी जो ये है वो ये है कि ये अनपावर्ड होते हैं, ठीक है, अनपावर्ड होते हैं। यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, अनपावर्ड, ठीक। और दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास कि ये अनगाइडेड होते हैं, ठीक है। अनपावर्ड और अनगाइडेड जो हैं वो मिसाइल्स जो होंगे वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, वो हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल्स कहलाएंगे। अब अनपावर्ड और अनगाइडेड का स्टूडेंट्स हमारे पास मीनिंग क्या है? अनपावर्ड जो है उसका मतलब हमारे पास ये है कि हम जिस तरह से हम पावर का फॉर्मूला देखते हैं स्टूडेंट्स के, हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, यानी कि ऐसा जो एनर्जी जो कि टाइम के लिहाज से चेंज हो रही हो। लेकिन इस केस में स्टूडेंट्स, बैलिस्टिक मिसाइल के केस में हम उसकी एनर्जी जो है वो टाइम के लिहाज से चेंज नहीं हो रही होती, बल्कि वो एक कॉन्स्टेंट जो है स्पीड या से मूव कर रहा होता है या वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है। अच्छा, अब इसकी जो वेलोसिटी है वो किस तरह से हमारे पास, इसकी जो हम कहते हैं कि ये बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं ये हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे कि आपको प्रोजेक्टाइल मोशन आपने पिछले लेक्चर्स में देखा है स्टूडेंट्स के, हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन वो मोशन होती है जिसमें बॉडी जो है वो टू डायमेंशनल जो है मोशन एग्जीक्यूट करती है। जिस तरह से अगर मैं कहती हूँ कि एक्स वाई प्लेन में जो है मैं उसकी पोजीशन जो है वो देख सकती हूँ मूव होते हुए, और उसका जो पाथ वो फॉलो करते हैं वो हमारे पास क्या होता है, पैराबोलिक पाथ होता है, ठीक है। और उसको जो इनिशियल वेलोसिटी जो प्रोवाइड की जाती है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या होती है, VI, जिसे हम डिनोट कर रहे होते हैं कि हमारे पास अगर हम किसी बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करें तो वो बोथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन जो है वो उसके पास जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। और जो स्टूडेंट्स हमारे पास इस केस में, यानी कि अगर बैलिस्टिक मिसाइल के केस में हम देखें, तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यानी कि ये वे जो डायरेक्शन में उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, और इनिशियल वेलोसिटी से जो बॉडी अपनी मोशन कंटिन्यू करती है वो हमारे पास क्या होती है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से वो अपनी मोशन जो है वो कंटिन्यू कर रही होती है। अब इनर्शिया हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, बेसिकली इनर्शिया हमारे पास ये है कि अगर कोई बॉडी जो है वो अब वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है या फिर मोशन एग्जीक्यूट कर रही है, तो जो जिस प्रॉपर्टी के तहत वो अगर कोई उसके रास्ते में कोई एक्सटर्नल फोर्स आती है या फिर कोई ऐसी फोर्स आती है जो कि उसको रोकने की कोशिश करती है, तो जो रेजिस्टेंस बॉडी पोजेस करेगी उस पर, यानी कि वो रुकेगी नहीं या फिर अपनी मोशन अपनी जो ओरिजिनल फॉर्म है उसको मेंटेन करेगी, तो वो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, प्रॉपर्टी हमारे पास इनर्शिया कहलाती है। और लॉ ऑफ इनर्शिया जो है, जैसे कि हमने पढ़ा है कि हमारे पास जो न्यूटन फर्स्ट लॉ से भी हम देखते हैं कि हमारे पास जो बॉडी, यानी कि अगर बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एग्जर्ट नहीं हो रही और वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है या फिर मोशन में है, तो वो अपनी मोशन को जो है वो कंटिन्यू रखेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट लॉ भी आ जाता है। तो इस केस में भी स्टूडेंट्स ऐसा ही है कि बैलिस्टिक मिसाइल के केस में जब हम उसको कोई इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं, अगर हम लोग एयर रेजिस्टेंस, यानी कि हमारे पास इसमें जो दो फैक्टर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारे पास क्या है कि एयर रेजिस्टेंस का जो फैक्टर आ जाता है जो कि उसकी मोशन को डिस्टर्ब कर रहा है, और वो हमारे पास एज एन एक्सटर्नल फोर्स जो है वो मतलब कि हम उसको देख सकते हैं कि वो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है। अगर एयर रेजिस्टेंस के फैक्टर को हम निग्लेक्ट कर दें, यानी कि एक ऐसा अगर हम ऐसी एम्प्टी स्पेस ले लें जहां बैलिस्टिक मिसाइल्स मूव कर रहे हैं, तो उस केस में जो है वो हमारे पास कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एग्जर्ट नहीं होगी, तो इसकी वजह से बॉडी जो है वो अपनी इनिशियल वेलोसिटी यानी कि VI वेलोसिटी के साथ यूनिफॉर्म मोशन जो है वो एग्जीक्यूट करती रहेगी। अब क्योंकि हम देखा कि इनिशियल वेलोसिटी की वजह से तो वो हॉरिजॉन्टल पाथ फॉलो कर रही थी, तो फिर उसकी जो मोशन है वो इस तरह से क्यों बन गई, यानी कि प्रोजेक्टाइल की तरह क्यों बन गई, या फिर आप कह सकते हैं पैराबोलिक पाथ उसने क्यों फॉलो कर लिया, तो उसकी जो रीजन है वो हमारे पास क्या है कि दूसरी जो इस पर फोर्स एक्ट कर रही है वो हमारे पास ग्रेविटेशनल
फोर्स है, यानी कि ग्रेविटी जो है वो उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्टूडेंट्स मूव करा रही होती है, जैसे कि उसको पुल कर रही है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। और जब वो उसको टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ मूव कराती है, मतलब कि खींचती है अपनी तरफ, तो जिसकी वजह से उसका पाथ जो है वो कर्व हो जाता है और वो जो है बिल्कुल एक पैराबोलिक पाथ बन जाता है। और फिर वो कुछ टाइम के बाद जो है वो ग्राउंड को जाके हिट कर दिया जाता है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि वो अपने टारगेट को जो है वो हिट कर जाता है। अब यहाँ जो है स्टूडेंट्स हमारे पास जो अगर हम बेलिस्टिक मिसाइल्स को देखें, तो ये हमारे पास क्योंकि अनपावर्ड का तो मैंने आपको बता दिया जैसा कि यहाँ, लेकिन अनगाइडेड भी होते हैं। अब अनगाइडेड यानी कि अपने टारगेट्स पे बहुत प्रिसाइजली जो है वो जाके इनका हिट करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यानी कि अगर हम एयर रेजिस्टेंस और विंड के फैक्टर्स को इंक्लूड कर लें तो इनका मोशन जो है वो डिस्टर्ब भी हो सकता है, और जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये अगर हमारा टारगेट मूव कर जाता है कि अपनी जगह से, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोजेक्टाइल को इस डायरेक्शन में लॉन्च किया और टारगेट जो है वो आगे से अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है मीनवाइल, तो फिर ये जो मिसाइल है ये अपने टारगेट को हिट नहीं कर पाएगा, यानी कि वो अपनी मोशन जो है वो उसके मुताबिक चेंज नहीं कर सकता, उसके पास इतनी मतलब उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा होता है, बल्कि वो अनगाइडेड होते हैं। तो ऐसी केसेस में जो है ये मतलब कि हमारे पास इसके थोड़े से ड्रॉबैक्स आ जाते हैं कि जो कि बेलिस्टिक मिसाइल्स में हम देखते हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें स्टूडेंट्स के हमारे पास जब हम हाई स्पीड की, यानी कि ये जो दो फैक्टर्स हैं इनको जिस तरह से इस केस में तो हमने निगलेक्ट कर दिया था, लेकिन अगर हमारे पास यहाँ मैं अगर आपको दिखाऊं कि किस केसेस में हमारे पास एयर रेजिस्टेंस और विंड के फैक्टर्स को जो है वो निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, कि अगर हमारे पास इसको डिफरेंट कलर से शो कर देती हूँ, कि अगर हमारे पास हाई स्पीड यानी कि अगर हम बहुत हाई स्पीड के साथ अपना मिसाइल लॉन्च करें और हम लोगों ने लॉन्ग रेंज मतलब कि हमारा जो टारगेट है वो लॉन्ग रेंज हो, यानी कि आपकी जो प्रोजेक्टाइल होगा उसकी ट्रैजेक्टरी जो है यानी कि जो वो पाथ फॉलो करता है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, तो ऐसे केसेस में जो है वो हम एयर रेजिस्टेंस के फैक्टर्स को जो है वो नहीं निगलेक्ट नहीं कर सकते, उसमें हमारे पास एयर रेजिस्टेंस आ जाएगी और उसकी वजह से हमारे पास जो है उस फैक्टर्स को इंक्लूड करते हुए हमने अपनी जो है वो मतलब कि उसको इनिशियल वेलोसिटीज और उसके मुताबिक हमने अपना टारगेट बनाना होगा, ठीक। और फिर उसके बाद अगर हम देखें स्टूडेंट्स के हमारे पास जो जिस तरह से अगर हम देखें कि हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल में स्टूडेंट्स हमने इक्वेशंस पढ़ी थी कि हमने उसकी वेलोसिटीज हाइट वगैरह और रेंज वगैरह निकाली थी, तो उस तरह से हम लोग जो है बेलिस्टिक मिसाइल्स की भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस हो जाएंगी इस वजह से हम यहाँ इनिशियल बेसिस में उसको डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम देखें कि हमारे पास जो बेलिस्टिक मिसाइल्स हैं ये हमारे पास शॉर्ट रेंज के लिए यानी कि शॉर्ट रेंज के लिए अगर हम यूज करें तो इनकी प्रिसीजन जो है वो अच्छी है और इनको हम यूज कर सकते हैं शॉर्ट रेंज टारगेट्स को अचीव करने के लिए। लेकिन अगर हम लोग लॉन्ग रेंज में जाते हैं और हम हाई प्रिसीजन को देखना चाहते हैं तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम लोग यूज करते हैं रिमोट कंट्रोल गाइडेड मिसाइल्स, ठीक है। ये हमारे पास जो है ये एक मतलब कि इनकी टेक्नोलॉजी के लिहाज से अगर देखें तो ये उससे ज़्यादा अच्छे हमारे पास मिसाइल्स होते हैं जो कि जिनकी प्रिसीजन पावर भी बहुत अच्छी होती है और इनको ये गाइडेड मिसाइल्स होते हैं बेसिकली, यानी कि ये टारगेट के मुताबिक जो है वो अपनी मोशन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इनकी जो ये लॉन्ग रेंज के लिए भी यूज होते हैं और दूसरा ये होता है कि इनकी प्रिसीजन जो पावर है वो बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बेसिकली एप्लीकेशंस में आ जाते हैं हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन के एप्लीकेशंस में, जो कि आज हमने डिस्कस की है कि किस तरह से जो है इसको हम यूज कर सकते हैं देखिए वॉर पर्पसेस के लिए भी और दूसरी जो हमारी जो है टेक्नोलॉजीज के तौर पे भी।